आज मैं आपको एक ऐसा कमाल का टूल दिखाने वाला हूँ जो एक ओपन सोर्स एआई टूल है जिसमें कई सारे मॉडल्स इंक्लूड किए गए हैं जिन्हें आप अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि इमेज जनरेशन। हालांकि इमेज जनरेशन इज अ वेरी कॉमन फीचर, लेकिन इसके अलावा आप इस टूल में एडिट इमेज, रिस्टोर इमेज, चैट विद इमेज, जनरेट म्यूजिक, गेट 3D स्टफ, ऐसे 100 से भी ज्यादा मॉडल्स एक ही अम्ब्रेला के अंडर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये टूल इनिशियली फ्री है, लेकिन उसके बाद बहुत ही मिनिमल फीस देकर आप इस टूल को यूज कर सकते हो। तो ये टूल कौन सा है अगर आपको देखना है और इसके कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल्स अगर आपको जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द डिजाइनरबग चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं न्यू AI टूल्स, डिजाइन ट्रिक्स एंड टिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स डाइव इन। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि ये एक ओपन सोर्स AI टूल है जहां हजारों ओपन सोर्स मशीन लर्निंग मॉडल्स एक कम्युनिटी यहां कंट्रीब्यूट करती है और दिन के कई सारे मॉडल्स ऐड होते रहते हैं। आपके फ्री क्रेडिट्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद जितना टाइम आप एक पर्टिकुलर मॉडल रन करते हो तो आपको उतना ही पे करना है जितना वो मॉडल उसे प्रोसेस करने में टाइम लगाता है, और हर एक मॉडल का अपना डिफरेंट टाइम है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का या होने का, तो उस हिसाब से आपको पर जनरेशन पे करना होता है या फिर ये टूल आपको चार्ज करता है। ये मैं आपको जब मॉडल एक्सप्लेन करूंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। तो इस टूल का नाम है रेप्लिकेट और ये टूल एक ओपन सोर्स AI टूल है जिसमें कई सारे मॉडल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इनकी वेबसाइट पर एक्सप्लोर पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कई सारे फीचर्ड मॉडल्स आप देख सकते हो, जैसे कलर्स विद आई अडेप्टर है, स्टेबल डिफ्यूजन 3 है, लाइव पोर्ट्रेट है, हाई रेजोल्यूशन कंट्रोल नेट टाइल है, आई स्लाइट है, ऐसे कई सारे फीचर्ड मॉडल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे जाएंगे तो अलग अलग यूज केसेस के मॉडल्स यहाँ पर इन्होंने फिल्टर करके यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। जैसे आपको अगर इमेज जनरेट करनी है तो इमेज जनरेशन के अलग अलग मॉडल्स आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। यूज अ लैंग्वेज मॉडल, तो लैंग्वेज मॉडल्स के अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कैप्शन इमेजेस है या फिर एडिट इमेजेस है, ऐसे अलग अलग यूज केसेस इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। यहाँ तक कि आप 3D मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो, जनरेट म्यूजिक भी आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो। ऐसे अलग अलग हजारों मॉडल्स यहाँ पर रेप्लिकेट ने अवेलेबल करके दी है। नीचे जाएंगे तो पॉपुलर मॉडल्स यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि प्रोटीस है, V0.2, बहुत सारे मॉडल्स है, आप थक जाओगे देख देख के इतने सारे मॉडल्स आप यहाँ पर। तो इनमें से जो पॉपुलर मॉडल्स है या फिर इंटरेस्टिंग मॉडल्स है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल्स आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको replicate.com यूज करना है तो GitHub पर जाकर आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर साइन इन विद GitHub आपको करना है, और अगर आपका GitHub में अकाउंट होगा तभी आप यहाँ पर जाकर साइन इन कर पाओगे और replicate.com के जो मॉडल्स है वो यूज कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पर जाना है। एक्सप्लोर में जाके ये बहुत सारे मॉडल जैसा मैंने आप एक्सप्लेन किया था वो मॉडल्स आप यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस मॉडल का नाम है लाइव पोर्ट्रेट। ये लाइव पोर्ट्रेट जो मॉडल है उसमें आप किसी भी इमेज को लाइव पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस के लिए यूज की है और उस इमेज को इस वीडियो में कन्वर्ट किया है, जहाँ पर ये जो गर्ल है वो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस देती है। लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसे देंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी इमेज आपको यूज करनी है वो यहाँ अपलोड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ से क्लियर फाइल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है। जो इमेज आपको अपलोड करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इमेज मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये इमेज मैंने मिडजर्नी पर क्रिएट की है। तो यहाँ पर ये इमेज आपको सिंपली ड्रैग करनी है, उसके बाद एक वीडियो आपको रेफरेंस के लिए यहाँ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी वीडियो है वो यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। वो कौन सा वीडियो ड्रैग करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ एग्जाम्पल ड्राइविंग वीडियोस ये सेक्शन दिखाई देता है, उसमें ये लिंक आपको ओपन करनी है।
ये लिंक ओपन करने के बाद आपको कुछ रेफरेंस वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रेफरेंस वीडियोस आपको एक्सप्रेशन के लिए यूज करने हैं। इसमें से कोई भी वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वीडियो है, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस के वीडियो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं। उसमें से कोई भी वीडियो आपको चूज करना है, वो रेफरेंस के लिए आपको यूज़ करना है। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर से हमें ऊपर जाना है और यहाँ इस सेक्शन में इसको अपलोड करना है या फिर ड्रैग करना है। तो ये वीडियो अपलोड हो चुका है और सिंपली आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेटिंग्स में नीचे डायरेक्ट जाकर आपको रन करना है और कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, रेप्लिकेट ने ये वीडियो हमें प्रोवाइड किया है। ये देखिए, बड़ा क्यूट सा ये लोकी का वीडियो हमें रेप्लिकेट ने प्रोवाइड किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेशंस जो भी हम लोगों ने अपलोड किए, जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया, वो सेम एक्सप्रेशंस यहाँ पर इस इमेज पर रेप्लिकेट हो गए। तो इस तरह ये जो लाइव पोर्ट्रेट का मॉडल है, ये मॉडल आप replicate.com पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज करके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग ये मॉडल है। और एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर लाइव पोर्ट्रेट पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर फाइल करना है और यहाँ इमेज आपको जो भी यूज करनी है वो ड्रैग करनी है। तो मैं यहाँ पर ये इमेज यूज करने वाला हूँ। ये इमेज भी मैंने मिडजर्नी पर क्रिएट की थी, तो ये इमेज मैंने यहाँ पर ड्रैग कर ली है। उसके बाद नीचे ड्राइविंग वीडियो में आपको जो भी वीडियो सिलेक्ट करना है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो भी वीडियोस डाउनलोड किए हैं, उनमें से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया है और आपको सिंपली यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, रन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर वीडियो क्रिएट हो चुका है और यहाँ बढ़िया सा ये वीडियो क्रिएट किया है लाइव पोर्ट्रेट ने। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये वीडियो। तो इस तरह आप रेप्लिकेट में जाकर ये जो मॉडल है लाइव पोर्ट्रेट का, ये मॉडल आप यूज करके देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ आपकी इमेज अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करना है और रन पर क्लिक करना है। सिंपल एज दैट। उसके बाद मैं आपको एक सेकंड मॉडल दिखा देता हूँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग मॉडल है। तो ये सेकंड वाला जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है टून क्राफ्टर। तो ये जो मॉडल है, ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है। इस मॉडल में आप एनिमी स्टाइल के वीडियोस बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हो। ये मॉडल क्या करता है, एक शॉर्ट से सेकंड शॉर्ट को एनिमेट करता है और उसके लिए इन दो शॉर्ट्स में कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है इन दो फ्रेम्स के बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो फर्स्ट फ्रेम है उसे आपको थोड़ा क्रॉप करना होगा। इससे आपको जो रिजल्ट्स है वो बेस्ट मिलेगा इस मॉडल में। ये टूल एनिमेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें एनिमी स्टाइल के वीडियोस में ही बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल को गिबली स्टूडियो एनिमेशन के रेफरेंसेस लेके इसे ट्रेन किया गया है। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट डाल के भी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इमेज अपलोड करके ये वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी जो इमेजेस वो आपको अपलोड करनी है, आपको सबसे पहले क्लियर फाइल करना है और यहाँ पर आप 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हो। यहाँ इमेज आपको अपलोड करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको इस इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने ये इमेज ली है। तो इस कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी के लिए आपको इस इमेज को इस तरह क्रॉप करना है। ये हमारी फर्स्ट फ्रेम हो गई और उसके बाद सेकंड फ्रेम के लिए आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो इमेज आपको रखनी है। तो इस तरह ये दो इमेजेस हमारी रेडी हो चुकी है, इन्हें हमें एक्सपोर्ट करना है।
एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ये इमेजेस ड्रैग करनी है। इमेज फर्स्ट में जो क्रॉप की हुई इमेज है वो आपको ड्रैग करनी है, और इमेज सेकंड में जो ओरिजिनल इमेज है वो आपको ड्रैग करनी है। और ये दो इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको बूट प्लस रन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर टून क्राफ्टर ने ये वीडियो क्रिएट करके दिया है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह यहाँ पर ये टून क्राफ्टर पर आप एनिमी स्टाइल के वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसमें दो से ज्यादा इमेजेस यूज करते हो तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा यहाँ पर मिल सकता है। तो इसे भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये 2 सेकंड का ही वीडियो बना है इसलिए इसमें ज्यादा मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। एक और वीडियो मैंने टून क्राफ्ट में क्रिएट किया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये वो वीडियो मैंने टून क्राफ्टर पर क्रिएट किया है, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट टून क्राफ्टर ने दिया है। इसके जो हेयर है और ये जो पीछे किड्स खड़े हैं उनके जो हेयर है, इनका जो फ्लो है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर निकल के आया है। पीछे जो ट्री है उसके जो लीव्स है वो भी, उनकी मूवमेंट्स भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर निकल के आई है। और इसको मैंने वीवा AI पर एनहांस किया है 4K में, तो इसकी क्वालिटी और एनहांस हुई है। तो इस तरह के वीडियोस आप टून क्राफ्टर पर क्रिएट कर सकते हो, पर्टिकुलरली एनिमी रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं रेप्लिकेट का जो प्राइसिंग का मॉडल है, जो फॉर्मेट है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैंने इंट्रो में आपको बताया था, तो इनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो प्राइसिंग का पेज यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग मॉडल्स 4 अलग अलग टाइप्स के GPU NCPU यूज करते हैं और उनकी प्राइसिंग अलग अलग है। तो ये 4 टाइप आप इनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और अगर इनके किसी भी मॉडल पर अगर आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव पोर्ट्रेट पर जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर रन टाइम एंड कॉस्ट इन्होंने एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर ये GPU यूज करते हैं, दिस मॉडल रन्स ऑन NVIDIA A40 लार्ज। तो प्राइसिंग के पेज पर अगर आप जाओगे तो NVIDIA A40 लार्ज GPU के लिए ये $2.61 पर आर ये चार्ज करते हैं। तो इस तरह इनके अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग चार्जेस ये लगाते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, दिस मॉडल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.020 टू रन ऑन रेप्लिकेट और 50 रन्स पर डॉलर। और अगर इनके दूसरे मॉडल पर हम जाएंगे, स्टेबल डिफ्यूजन पर जाके देखते हैं, नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और ये देखिए प्राइसिंग, दिस मॉडल इज प्राइस्ड बाय हाउ मेनी इमेजेस आर जनरेटेड। तो यहाँ पर $0.035 यहाँ पर इमेज ये चार्ज करते हैं। तो इस तरह इनके अलग अलग मॉडल्स पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्राइसिंग होगी वो आपको कितना चार्ज लगेगा। तो इस तरह रेप्लिकेट का ये AI टूल आप यूज कर सकते हो। इसमें मैंने ये 2 ही मॉडल्स एक्सप्लेन किए, लेकिन ऐसे 1000 से भी ज्यादा मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल है जो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कई सारे मॉडल्स है, इमेज जनरेशन के म्यूजिक से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है, जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने कुछ ट्राई किया है रेप्लिकेट पर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।